चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका रेशियो मेथड बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेशियो याद होना चाहिए, 2 वर्ष के लिए रेशियो, 3 वर्ष के लिए रेशियो, 4 वर्ष के लिए रेशियो, 5 वर्ष के लिए रेशियो और 6 वर्ष के लिए रेशियो याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो सबसे आसान तरीका से बनेगा। तो सबसे पहले आपको याद करना है, 2 वर्ष के लिए रेशियो होता है 2:1, आपको 2:1 याद रखना है, बीच में रेशियो लगा देना है। इसके बाद 3 वर्ष के लिए यानी कि 3 साल के लिए क्या होता है, 3:3:1, लेकिन आपको बीच में रेशियो दे देना है, 3:3:1 याद रखिए। इसके बाद 4 वर्ष के लिए क्या होगा, तो 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1 याद रखिएगा, 4:6:4:1 इस तरीके से याद कर लीजिए तो फटाफट आप बना सकेंगे। इसके बाद आपको याद करना है 5 वर्ष के लिए, याद रखिएगा 3 वर्ष के लिए है तो 3 से शुरू हुआ है और 3:1 से लास्ट हुआ है, 4 वर्ष के लिए 4 से स्टार्ट हुआ है और 4:1 से खत्म हुआ है, बीच में आपको 6 लगाना है। इस तरीके से भी आपको दिमाग लगा लगा के बनाना है। तो 5 वर्ष के लिए 5 से स्टार्ट होगा लेकिन मिडिल में क्या होगा और लास्ट में 5:1 आएगा, देखिएगा। तो 5, इसके बाद 10, फिर से 10 यानी कि 5:10:10:5:1 याद कर लीजिए, बहुत आसान है। 6 वर्ष के लिए कितना होगा, तो 6 वर्ष के लिए 6, इसके बाद रेशियो 15, इसके बाद रेशियो 20, रेशियो 15 और लास्ट में क्या होगा तो 6:1 होगा। अब यहाँ पर काउंट भी कर लीजिए, 2 वर्ष में क्या है, मात्र 2 ठो है यानी कि 2:1, 3 वर्ष में 1:2:3, 4 वर्ष में 1:2:3:4, 6 वर्ष में 1:2:3:4:5:6 इस तरीके से आपको मिला लेना है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, देखिए कितना आसान तरीके से बनता है। तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझिए, प्रश्न अगर समझ लिए तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 800 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है, रेशियो को लिख लीजिए, तो 2:1 होता है, तो आपको दूर दूर लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, मूलधन कितना है, 800 रुपया है और दर कितना है, 5% है, तो 800 का 5% निकालेंगे, अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे, बिना कलम कॉपी यूज किए भी आप बना सकते हैं, लेकिन एक बार समझिए। तो 800 रुपया का 5% निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 को 5 से गुना कर दीजिए। ऐसा क्यों किए, अब यहां पर समझिएगा, जैसे आप लिखेंगे 800 रुपया का 5%, तो इस तरीके से लिखेंगे ना, तो ये दो जीरो कटेगा ना, अगर मूलधन के साथ 0 0 है तो आप 2 जीरो को हटाते जाइएगा और डायरेक्ट गुना करते जाइए। तो मैंने किया, डायरेक्ट 2 जीरो को हटा दिया और डायरेक्ट 5 से मैंने गुना कर दिया यानी कि 8:5:40, तो इसको यहां पर 8:5:40 यहां पर लिखना है। इसके बाद यहां पर रेशियो का चिन्ह दीजिए या ना दीजिए, अब आगे क्या करना है, 40 आया ना, अब 40 का 5% फिर से निकालेंगे, 40 का 5% फिर से निकालेंगे, तो इसमें तो आप 00 नहीं है ना, तो आप पूरा लिख लीजिए, जैसे 40 का 5%, तो इस तरीके से। तो क्या होगा, सबसे पहले आप 10 काट लीजिए, इसके बाद 5 × 10, इसके बाद 2 × 4 यानी कि 2 आया। अब आपको क्या करना है, यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, इसको गुना करिए तो 40×80 हो जाएगा, 40×80 और लास्ट में गुना करने के बाद आपको जोड़ देना है, तो यहां पर 2×1=2 होगा और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 82 यानी कि कितना है, इंटरेस्ट कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 82 रुपया है, देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है, बहुत आसान है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, एक चीज अब आपको समझना है, आप 2 वर्ष के लिए हो या 3 वर्ष के लिए हो या 4 वर्ष के लिए हो, यही काम करना है, लेकिन मैं एक बार 3 वर्ष के लिए जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है, कहीं पर 6 माही लिखा हुआ रहता है, 4 माही लिखा हुआ रहता है, 9 माही लिखा हुआ रहता है, तो क्या करेंगे। अब यहां पर समझिए, अगर कहीं पर 6 माही लिखा हुआ है, याद रखिएगा मैं लिख नहीं रहा हूं, 6 माही यानी कि अर्धवार्षिक, 6 माही का मतलब अर्धवार्षिक, तो 6 माही लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप 12 को 6 से डिवाइड करिए, कितना आया, 6×12, तो आपको क्या करना है, समय को, जो समय दिया हुआ रहेगा उसको आप 2 से गुना कर लीजिए, जो आएगा उसी को लेके चलना है, और आर को आपको क्या करना है, यानी कि दर को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसी को लेके चलना है। एक प्रश्न मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये हुआ 6 माही के लिए, अगर 4 माही रहेगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4×12 यानी कि 3 आया ना, तो आपको क्या करना है, समय को 3 से गुना कर लीजिए, जो आएगा उसी को आपको लेके चलना है, और आर को क्या करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा उसी को लेके चलना है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। अब आपको याद करना है, अर्धवार्षिक यानी कि 6 माही हो गया, 3 माही हो गया, अगर तिमाही, जैसे इसमें 4 माही था ना, अगर 3 माही रहेगा तो क्या करेंगे, तो 12 को आप क्या करेंगे, 12 को
तीन माही के लिए 12 को 3 से डिवाइड करिए तो 3 चौके 12 4 आया ना, तो आपको क्या करना है समय को 4 से गुना कर लीजिए, जो आएगा वही लेके चलना है। आर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा उसी को लेके चलना है। बिल्कुल अब समझ में आ गया है, तो क्लियर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो ये क्या है, दो वर्ष के लिए है ना, तो दो वर्ष के लिए मैं बता चुका हूं, बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद यहां पर क्या है, तो यहां पर भी दो वर्ष के लिए है, इसको भी आप बनाइए। यहां पर क्या है इसमें, तो यहां पर भी दो वर्ष के लिए है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर 6 माही 4 माही 3 माही अगर आएगा तो मैं उसको एक बार सॉल्व करके बता दूंगा, और एक मैं बताऊंगा 3 वर्ष के लिए। तो यहां पर देखिए क्या है मोहन ने, तो इसमें क्या है 2 वर्ष के लिए, इसमें भी 2 वर्ष के लिए है, और 6 माही 4 माही यह कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसको भी बना लीजिए। इसके बाद यहां पर देखिए, अब आपको समझना है 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है, 3 वर्ष के लिए रेशियो होता है 3:3:1। तो थोड़ा दूर दूर लिख लेना है, क्योंकि इसके सामने आपको वैल्यू भी तो लिखना है, 3 इसके बाद फिर से यहां पर 3 इसके बाद 3:3:1 यही होता है ना। तो अब क्या करेंगे, तो मूलधन कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10000 ₹80,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दर कितना है 15%, तो सबसे पहले मूलधन का 15% निकालेंगे, तो मूलधन में तो 0 0 है, तो 2 0 को पहले ही हटाइए, तो कितना होगा 8 00 और 15 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो 15 8 120 होता है, तो 120 को यहां पर लिखिए और 2 0 उतार दीजिए। इसके बाद आते हैं, यहां पर लिख लेते हैं सीधा, में यहां पर मैं अनुपात दे देता हूं, आप दीजिए या ना दीजिए इसके बाद कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद फिर से इसका 15% निकालेंगे, तो 15% निकालेंगे तो 2 0 हटा दीजिए, यानी कि 120 को 15 से गुना करिए, तो क्या हो जाएगा 12 25 60 के 0 हाथ में 6 12 एकम 12 और 12 6 18 यानी कि इतना हो गया, और 1 0 तो बैठाएंगे ना। इसके बाद यहां पर कितना हुआ 18 और 00। अब क्या करेंगे, तो फिर से अब हम लोग यहां पर आ गए हैं, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे इसका 15% निकालेंगे, तो 2 0 तो पहले हटा दीजिए, तो 18 गुने, और क्यों हटा रहे हैं मैं पहले समझा चुका हूं, तो 15 से गुना करिए ना, तो क्या हो जाएगा 18 95 या 15 8 120 होता है ना, 15 8 20 से, अब यहां पर समझिएगा 15 8 120 होता है, तो 120 का यहां पर 0, इसके बाद 120 तो 12 बच गया, तो 15 एकम 15 और 12 कितना होगा यहाँ पर 7 5 2 7 यहाँ पर 2 ना, इतना हो गया, यानी कि यहाँ पर 270 हो गया। अब क्या करते हैं, गुना करके जोड़ते हैं ना, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ना है तो आप नीचे लिखते जाइए, तो जोड़ने में आसान होगा। कहने का मतलब है कि 12 3 36 तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 3 0 है ना, 3 0, इसके बाद 18 3 54 तो 18 3 54 आप इस तरीके से लिख लीजिए, तो जोड़ने में आसान होगा। इसके बाद 1 से गुना करेंगे तो उतना ही, कितना है 270। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 7 यहाँ पर कितना होगा 4 2 6 और यहाँ पर 6 5 11 के 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4 41 6 70 41 6 70 ग ऑप्शन सही है। देख लिए कितना आसान तरीके से बन गया बहुत ही कम समय में। अगर आप फॉर्मूला से बनाते तो बहुत ही मतलब कि ज़्यादा समय लगता, कैलकुलेशन में भी बहुत मुश्किल होता। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं, एक प्रश्न को मैं सॉल्व करूंगा। इसी तरीके से आप 5 वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए निकाल सकते हैं, 4 वर्ष के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं समझाऊंगा, जहां पर 3 माही 4 माही 6 माही रहेगा वहां पर देखते हैं प्रश्न है या नहीं। तो यहां पर देख लीजिए, ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को सबसे पहले अच्छा से समझिए और ये प्रश्न को मैं समझाऊंगा, इसके बाद मैं नहीं समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले महीना समय कितना दिया हुआ है महीना में, तो समय वर्ष में होना चाहिए, तो महीना है तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करना होगा, तो 3 3 9 3 4 12 यानी कितना आया 3/4 आया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, तिमाही बोला है, तो तिमाही बोला है तो क्या करेंगे यहाँ पर समझिए, तो तिमाही बोला है तो समय को क्या करना है, अब यहां पर समझिए, तिमाही बोला है ना, तो मैंने क्या बोला था कि तिमाही बोला है तो 12 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करिए, तो 3 4 12 4 आया, तो समय को 4 से गुना करते थे, यही मैंने बताया था, तो ये 4 4 कैंसिल, यानी कि अब आपको 3 लेके चलना है। तो आर को क्या करते हैं, तो मैंने बोला था कि आर को 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहां पर 4 आया है ना, तो आर कितना है 8% है, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 2 8 यानी कि आपको आर के जगह में 2% लेके चलना है। अब याद रखिएगा समय कितना है 3 वर्ष और दर कितना है 2%। अब यहां पर समझिएगा, तो समय आया है 3 वर्ष ना, तो 3 3 1 ले लीजिए, 3 3 1 ले लीजिए। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, तो
सबसे पहले क्या करेंगे, कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख एक लाख पच्चीस हजार। तो सबसे पहले आर कितना है था 2%, तो 2% निकालना है तो दो जीरो हटा दीजिए, तो 125 और एक जीरो दो से डायरेक्ट गुना करेंगे तो 2% निकल जाएगा 125,000 का। तो दो जीरो हटाए ना, ठीक है 1250 राइट। तो अब यहां पर लिखते जाएंगे 200 दो पचे दस के जीरो हाथ में एक, दो दुना चार एक पांच और दो एकम दो, इतना ही होगा ना। 200 दो पचे दस के जीरो, दो दुना चार एक पांच और दो एकम दो राइट है। इसके बाद क्या करेंगे, तो फिर से इसका निकालेंगे, फिर से इसका निकालेंगे 2%। तो क्या करेंगे, दो जीरो हटा दीजिए तो 25 गुने कितना हो जाएगा, 25 गुने दो हो जाएगा, यानी कि आ गया 50। देखिए माइंड में कितना बड़ा अमाउंट है लेकिन माइंड में कैलकुलेट हो रहा है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 25 दूना 50, तो यहां पर 50 कर दीजिए। इसके बाद इसका निकालेंगे 2%, तो यहां पर तो आपको इस तरीके से लिखना होगा क्योंकि डबल जीरो रहता तो डायरेक्ट काट के गुना कर देते, हटा के दो जीरो हटा के गुना कर देते, तो यहां पर आपको 2% इस तरीके से लिखना होगा। तो देख लीजिए यहां पर क्या है, यानी कि 50 दुना 100 और 50 कम 50 एक आया। लेकिन एक बार मैं मिला लेता हूं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, का 8% वार्षिक दर से 9 माह का। तो सबसे पहले मैंने 9 को 12 से डिवाइड किया तो वर्ष में बदल गया, और क्या करेंगे, क्या बोला है इसमें, तिमाही बोला है ना, तो 12 को 3 से, तो 3 चौके 12 तो 4 से, 4 तिया 12 3 तिया 9 ठीक है, 3 वर्ष, इसके बाद 4 दुना 8 राइट है। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कितना आया, एक आया ना, तो यहां पर एक रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, तो यहां पर 25 तिया 75 गुना कर दीजिए, 25 तिया 75 और डबल जीरो है। इसके बाद यहां पर कितना है, 5 तिया 15 और एक जीरो, यानी कि इतना है ना। इसके बाद यहां पर एक एकम एक, अब सभी को जोड़िए, तो यहां पर एक और यहां पर हो गया 5 और यहां पर 5 और एक 6 हो गया, यहां पर 7, यानी कि 7651। तो 7651 कहां पर है, का ऑप्शन सही है, मुझे डाउट हो रहा था कहीं गलती तो नहीं हो गया, लेकिन राइट आ गया। देखिए अगर कैलकुलेशन सही रहेगा तो फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, तो इसको सॉल्व करिएगा, इसमें छमाही लिखा हुआ है, छमाही में क्या करना है मैं बता चुका हूं। अब यहां पर देखिए, तो लास्ट हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो एक बार प्रैक्टिस करना है। इसमें बहुत सा प्रश्न था जिसको मैंने छोड़ दिया है, एक ही तरह का था, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, यारों में, भाई बहनों में, ताकि सभी लोग को इस तरह का नॉलेज मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।